खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। स्वागत है आपका। दिल्ली की एक 6 साल की मासूम जिंदगी की जंग लड़ रही है, उससे हैवानियत की गई, एक हैवान ने उसके साथ दरिंदगी की। 2 जुलाई को 6 साल की मासूम बच्ची द्वारका में घर के पास खेल रही थी, तभी मोहम्मद नन्हे नाम का एक शख्स बच्ची के पास आया, उसे टॉफी दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया और पास की झाड़ियों में उसने बच्ची के साथ हैवानियत की और फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उस दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया है। मासूम अभी सफदरजंग अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत काफी नाजुक है। दिल्ली की यह घटना है जहां पर 6 साल की एक मासूम बच्ची जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। आपको बता दें, उससे जिस तरह की हैवानियत की गई है, एक हैवान ने उसके साथ दरिंदगी की। 2 जुलाई को 6 साल की यह मासूम बच्ची द्वारका में अपने घर के पास खेल रही थी, तभी मोहम्मद नन्हे नाम का एक शख्स बच्ची के पास आता है, उसे ट्रॉफी दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया और उसके साथ झाड़ियों में उसने दरिंदगी की और फरार हो गया। बाद में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उस दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया है। और दिल्ली की यह बिटिया अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। दिल्ली में 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की यह बड़ी खबर है, जिसमें यह बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी और ये सीसीटीवी फुटेज देखिए किस तरह से यह दरिंदा उस बच्ची को एक टॉफी का लालच देकर अपने साथ लेकर गया और झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ हैवानियत की, जिसके बाद इस बच्ची की जान पर बनाई है और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है ये बच्ची। और हम सब और पूरी दिल्ली इस बेटी के लिए दुआ कर रहे हैं। और आज आपको बता दें, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी इस बच्ची से मिलने, उसका हालचाल जानने के लिए अस्पताल जाने वाले हैं। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें यह हैवान उस बच्ची को एक टॉफी का, महज एक टॉफी का लालच दिखाकर अपने साथ ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 6 साल की बच्ची है, उसको इसने टॉफी का लालच दिया, अपने साथ लेकर गया, उसके साथ हैवानियत की। ये द्वारका की घटना है और ये सीसीटीवी कैमरे में ये सारी तस्वीरें कैद हो गई थी। बाद में पुलिस ने जब सीसीटीवी की तस्वीरें खंगाली, उसके आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी हुई। द्वारका में घर के पास ये बच्ची खेल रही थी, जिस वक्त मोहम्मद नन्हे नाम का एक शख्स बच्ची के पास आया, उसने टॉफी दिलाने का बहाना किया और साथ लेकर गया। टॉफी के बहाने से उसको लेकर गया झाड़ियों में और बच्ची के साथ हैवानियत की और फरार हो गया। एबीपी न्यूज़ के सवाल है कि दिल्ली में आखिर मासूमों के खिलाफ अपराध कब रुकेंगे, ये बड़ा सवाल है। सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे होते रहते हैं, सख्त कानून बने, लेकिन कानून का खौफ क्यों नहीं है? कानून बनाने की बात होती रहती है, कानून का खौफ इस तरह के हैवानों में क्यों नहीं नजर आता, जरा भी नजर नहीं आता है। और बार बार इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, वो या तो अपने आप को कानून से ऊपर मानते हैं या ये मानकर चलते हैं कि वो कानून की गिरफ्त में आएंगे ही नहीं। और ये हमारे सवाल है कि आखिर सुरक्षा के दावे होते हैं, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम इतने पुख्ता क्यों नहीं है कि इस तरह की घटनाएं ना हो, और कानून का खौफ क्यों नहीं है इस तरह के हैवानों में? इस तरह की घटना के बाद बयानबाजियां शुरू हो जाती हैं सुरक्षा को लेकर और तमाम चीजों को लेकर, लेकिन कोई हकीकत ठोस तौर पर जमीन पर नजर नहीं आती। और इस तरह के हैवान हमारे समाज में घूमते रहते हैं जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। 6 साल की मासूम बच्ची के साथ मोहम्मद नन्हे नाम के इस हैवान ने इस तरह की विभत्स घटना को अंजाम दिया है। वो बच्ची अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है।